क्या तेरे बिन के सेकंड सीजन में हमें वही ओएसटी देखने को मिलेगा या फिर चेंज होगा? तेरे बिन के सेकंड सीजन की डिमांड से पब्लिक यमुना और वाज की लव स्टोरी की वजह से करती है। इनका कैरेक्टर, इनकी केमिस्ट्री शायकीन को बहुत पसंद आई। आज की वीडियो में हम तेरे बिन के सेकंड सीजन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जियो टीवी पर एक मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा तेरे बिन का सीक्वल आने जा रहा है, जिसकी मेन लीड में हमें यमुना रेड्डी और वाज अली देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव कैरेक्टर में पिछले सीजन तो हमें सबीना फरूक देखने को मिली थी हया के कैरेक्टर में, जिन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया था। और इस सीजन में विलन के कैरेक्टर में हमें अहमद अली अकबर देखने को मिलेंगे। तीन ही बहुत बड़े एक्टर हैं। अहमद अली अकबर को कंफर्म कर लिया गया है। अहमद अली अकबर को हम पहले परिजात ड्रामे में यमुना रेड्डी के साथ देख चुके हैं। परिजात एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, वहाँ भी अहमद अली अकबर और यमुना की केमिस्ट्री कमाल थी। काफी लोग कह रहे थे कि क्या सेकंड सीजन में हमें वही ओएसटी देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस दफा हमें एक नया ओएसटी देखने को मिलेगा। इस दफा भी ओएसटी को शानी अरशद ही गाएंगे। अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, उम्मीद करते हैं कि इस दफा भी तेरे बिन को बहुत हाई बजट में शूट किया जाएगा। जैसे ही इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई या कोई और न्यू अपडेट आई, मैं फौरन आपके साथ शेयर करूंगा। तो सीजन टू को लेके आप जितने भी एक्साइटेड हैं, मुझे अपनी एक्साइटमेंट से लाजमी आगाह कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको अहमद अली अकबर की एंट्री कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।